हमारे साथ आज जो मेहमान है उनका परिचय आपसे हम करा दें। सबसे पहले तो अश्विनी कुमार जी से मिलिए, मोटिवेशनल एक्सपर्ट हैं, लोगों के डर दूर करते हैं। नेहा, नेहा सांप से डरती हैं, इस कदर डरती हैं कि उनके सपने में उन्हें सांप दिखाई देते हैं। यहाँ स्टूडियो में भी सांप हैं, दो दो सांप हैं, और हम चाहेंगे कि नेहा इनको इनके नज़दीक जाएं, अगर मुमकिन हो कि उनका डर भाग सके तो उन्हें छू भी सकें सांपों से। चलिए कोशिश करते हैं कि नेहा का डर भी दूर हो जाए। नेहा, आएंगी आप इन सांपों के पीछे? आइए आइए अश्विनी जी। नेहा कितना डरती है सांपों से? देखिए वो तो डर रही हैं, वो फुंकार रहे हैं और ये डर रही हैं। छुएंगे आज इन्हें? मैं कोशिश तो करना चाहूंगी। अभी 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 अगर आपसे कहेंगे खुद नहीं, 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 नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, नहीं कर सकते। नहीं, क्या आप चाहेंगे? हाँ, कि आप में वो जज्बा पैदा करूं मैं? आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज, हाथ को खोला छोड़ें। मैं कहूंगा 1 2 3 आंखें खोलें। लुक एट दिस स्नेक, नाउ यू कैन टच, आप छू भी सकते हैं, जरा छुइए इन्हें। वाओ, ग्रेट। वो सीधे सांप के फन पर उन्होंने हाथ रखा। पहले जब ये सांप फुंकार रहा था तो वो दो कदम पीछे चली गई थी, लेकिन अब उन्होंने सीधा इस थेरेपी के बाद सांप के फन के ऊपर हाथ रख दिया। चलिए उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अपने अंदर कितना बदलाव महसूस कर रही हैं। नेहा को सांपों से डर था और पहले वो जो है बिल्कुल नजदीक नहीं जा पा रही थी, लेकिन अश्विनी से बात करने के बाद उन्होंने सांप को छुआ। नेहा दोबारा छुएंगी? आइए जरा, पकड़ने की कोशिश करना चाहती हैं। ब्रिलियंट, आइए आइए आइए, लेकिन छोटा वाला, छोटा वाला पकड़ना चाहती हैं, छोटा वाला इनको पकड़ना है। ये सांप के नजदीक नहीं जा सकती थी और अब खुद कह रही हैं कि मैं सांप को हाथ में लेना चाहती हूँ। देखिए बिल्कुल डर नहीं लग रहा। नहीं, आज सांप अच्छे लग रहे हैं। डर निकल गया आज मेरा। देखिए खेल रही हैं, वो सांप के साथ खेल रही हैं। कभी सोच सकती थी कि आप ये कभी नहीं ऐसा आपकी लाइफ में होगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। अच्छा ये बताइए, जब अश्विनी जी आपसे बात कर रहे थे तो क्या लग रहा था आपको? एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना, जैसे कि अंदर सर्ज ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, तो वैसा फील हुआ था मुझे अंदर। अच्छा। से कि कोई पॉजिटिव एनर्जी अंदर डाल रहा है। अब आपको ये लगता है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपके सामने कभी सांप आ गया तो आप डरेंगे तो नहीं? डरेंगे नहीं, नहीं। क्या है ये आपके आपके पास है, क्या हुनर है जिससे आप आज ये कमाल कर रहे हैं जी? ग्रेट, कमाल है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मेरा डर दूर कर दिया। अब आप जरा हमसे बात कीजिए जी। आपको जब मैंने कहा था कि वहां से जितना नजदीक आप इसके आ सकते हैं इस एक्वेरियम में जी, तो आप एक कदम वो भी डरते डरते बढ़े थे आगे, और अब आपने इसको हाथ में उठा के छू लिया। ये फर्क मेरे आंखों के सामने 3 मिनट के अंदर आया आपके अंदर। सच में डॉक्टर साहब ने पता नहीं मेरे अंदर क्या कर दिया, लेकिन मुझे बहुत ही पावरफुल फील हो रहा है कि मैं अब दोबारा भी इसे कर सकता हूँ। ऐसा ऐसा क्या हुआ जब वो तुमसे बात कर रहे थे, जो भी वो तुम्हें बता रहे थे उस बीच में क्या हुआ तुम्हारे साथ? पता नहीं, जब वो मुझे बता रहे थे मैंने एक एनर्जी सी आ रही थी, मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरे अंदर साहस भर रहा है, मेरे एक प्रकाश आ रहा है, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा था, मेरे अंदर हिम्मत आ रही थी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब आपको लगता है कि ये डर हमेशा के लिए दूर हो गया आपकी लाइफ से? जी हाँ, मुझे लगता है मैं ऐसा अब जिंदगी में कभी नहीं डरूंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कमाल साबरी साहब मशहूर सारंगी वादक हैं, लेकिन ऊंचाई से डरते थे, और उनके साथ अश्विनी जी ने एक छोटा सा सेशन किया। अब बताएं आप क्या महसूस कर रहे हैं साबरी साहब? ऊंचाई से खुश होते हैं। ऊंचाई से खुश होते हैं, बिल्कुल 180 डिग्री टर्न। एब्सोल्युटली, इट वाज जस्ट मैजिक, यू नो, आई नेवर थॉट सो, बट इट्स बीन ग्रेट एक्सपीरियंस। अब लगता है डर खत्म हो गया। एब्सोल्युटली, देखिए जो भी हो रहा है हमें तो जादू लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग जिस जिस डर से दूर होना चाहते थे उनका दावा है कि उनका डर दूर हो गया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली में रहने वाले संतोष अपने एक रिश्तेदार के घर कई सालों तक सिर्फ इस वजह से जा नहीं पाए, गए ही नहीं, क्योंकि उनके घर के रास्ते में कुत्ता आता था। बहुत बढ़िया सौरभ, देखिए यहाँ पर अब कुत्ता भी इनके साथ दोस्ती करने को तैयार हो गया है, हालांकि संतोष का वो डर तो छूमंतर हो चुका है। वाकई जी, डेफिनेटली ये हम कहना चाहेंगे कि पहले से काफी हमें अच्छा लग रहा है कि मतलब जो कुत्ते में अपनापन है ये हमें फील हो रहा है। सौरभ आपने देखा यहाँ पर तो पल भर में हम ये कहेंगे कि पूरी तरह से डर इनका गायब हो चुका है, और शायद अब संतोष अपने उस दोस्त के घर भी जरूर जाएंगे जिनके रास्ते में वो कुत्ता आता था। सही बात। सुरभि, इनसे ये जानिए जरूर कि जो इनसे बातें कर रहे थे अश्विनी जी, उस वक्त इनको क्या महसूस हो रहा था? धीरे धीरे हमारा जो अंदर का
काफी स्ट्रांग फील कर रहे थे हम धीरे धीरे, जो इनके बातों से हमें लग रहा था कि हाँ ये मतलब अंदर की जो डर है वो डर हमारे धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आज हमने बात की डर की और डर को दूर करने की। अश्विनी जी ने आज स्टूडियो में बहुत सारे लोगों के डर दूर किए। किसी को कुत्ते से डर लगता था, किसी को सांप से डर लगता था, किसी को चूहे से डर लगता था, किसी को आग से डर लगता था, किसी को ऊंचाई से डर लगता था। और आज स्टूडियो में हम ये कह सकते हैं कि डर दूर होने का जो परसेंटेज है वो 100% था। हर व्यक्ति का डर दूर हुआ। हमारे साथ नेहा थी, विवेक थे। विवेक बहुत बहुत शुक्रिया। और इनको पानी से डर लगता है और उनका भी एक्सपीरियंस विवेक जी के साथ जो है, अश्विनी जी के साथ जो है, बहुत अच्छा है विवेक का। और अश्विनी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई और तारीफ करेंगे आपके इस हुनर की। लोगों ने जो आपको आपके लिए कहा है वो अपने आप में हर 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 तमगा आपको दिया है कि उन्होंने आपका डर दूर किया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। थैंक यू।